जो एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सारे पार्ट चेक करें, आपको बोला था करके आने को, आप करके आए हैं तो चेक कर लेते हैं। साइन 45 कॉस 45 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सारे पार्ट। हम कर रहे हैं साइन 45। साइन 45 के अलावा सबकी डायग्राम हमारे पास ये बनेगी थी। डायग्राम की हमारे पास क्या A1 B1 A1 है, B1 है, C है, √2। ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ABC, A, B और C। ना सी पर एंटी का एंगल हमें निकालना। साइन 45 तो साइन का फार्मूला होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब साइन 45 निकालना है। अब ये वाला 45 ले या ये वाला 45 ले, मैंने बताया था आंसर तब में सेम आएगा। तो परपेंडिकुलर अगर ये वाला ले रहे हैं, अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं अगर हम 45 को, तो ये होएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये है आप हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 1, बी की वैल्यू 1 है, अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 2, तो साइन 45 आ गया 1/√2। सही। दूसरा है कॉस 45 के हिसाब से कॉस 45 का फॉर्मूला कर्ली ब्राउन यार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या हमारे पास, तो इसी में अगर हम चेक करें तो कॉस 45 ले, यही 45 ले अगर हम ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। बेस हमारे पास कितना हो गया 1 और हाइपोटेन्यूस अब सी के सामने वाला 1/√2। ये भी सही है आपको। 10/45 10 का फार्मूला होता है टिल पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर हम इसके अंदर ये 45 पर कंसीडर कर रहे हैं तो सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। तो परपेंडिकुलर भी आपका 1 है और बेस भी आपका 1 है। 1/1 आंसर आ जाएगा 1 आपका, ठीक है। 1/1 आंसर हो जाएगा 1। ये भी आपका सही है। अब cot 45 में दोबारा भाई एंगल हम देख लें, सामने रख लेते हैं। cot 45 निकालना है आपको, ठीक है।
ठीक है, ट्राइंगल आपका ये रहा, आपको निकालना है कॉट 45, कॉट 45, कॉट 45, कॉट किसका उल्टा होगा, 10 का उल्टा होगा, 10 होता है टिल पेंटेड ब्लैक, टिल पेंटेड ब्लैक, ये हो जाएगा कॉट जो हैगा मिनी परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो कॉट हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। आप ये 45 कंसीडर कर रहे हैं, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, दोनों वन वन के बराबर है, दोनों वन वन आप रखेंगे आंसर आ जाएगा वन। इसके बाद उसके बाद से सेक 45, सेक 45 है, नवा बना सेट 45। तुम आ गए मुझे तो बैठो, और हम इधर मुझे बैठो। वाली अब आपको निकलना है सेक 45। सेक का फॉर्मूला होता है, सेक सेक होता है कॉस कॉलर से, कॉस का उल्टा होता है, कॉस कर ली बराव नहीं यार, बेस अपन हाइपोटेन्यूस तो सेक हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपन बेस होता है। तो आपने ये वाला एंगल कंसीडर किया हुआ, आप देख लें ये वाला 45 का एंगल कंसीडर किया हुआ, तो ये आपके सामने जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूस जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस जाएगा रूट टू अपॉन बेस, आपका क्या है बेस होगा पर दोनों वन ही बने, तो बने रूट टू अपॉन वन, आपका रूट टू आंसर आ जाएगा। सेक 45 भी सही है, सेक 45 के बाद है, सेक 45 कोसेक 45, ठीक है कोसेक 45, कोसेक 45 इक्वल टू कोसेक होता है साइन का उल्टा कोसेक, साइन सम पीपल लगता है, साइन होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस पर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस पर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस आपको यही है 90 हम लोग हाइपोटेन्यूस है, ये कंसीडर कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया वन, हाइपोटेन्यूस होगा रूट टू, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस होगा रूट टू, और परपेंडिकुलर हो गया वन, रूट टू अपॉन वन वन, ठीक है। कोसेक भी हो गया, कोसेक के बाद हो गए सारे छः, ये जा तो थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हमारे हमने चेक कर लिए सही आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, वो ये ट्राइंगल है, क्वेश्चन नंबर ट्राइंगल ये दिया, वो ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन 4 में आपको प्रूफ का क्वेश्चन है, साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा के बराबर है, यहाँ पर आपको अल्फा एंगल ये वाला है, बीटा एंगल आपको ये वाला है, आपको प्रूफ करना है साइन अल्फा बराबर है कॉस बीटा के, अल्फा थोड़ा प्रॉपर बनाएं, ठीक है, अल्फा अल्फा इस तरह बनाएं, यूँ करके अल्फा बनाएं, ठीक है, ये ए लग रहा है, ठीक है, अल्फा इस तरह बनाएं और बीटा ये बी लग रहा है, थोड़ा सा बीटा यूँ करो, ये नीचे वाली जो है ये बड़ा करें, ठीक है। तो प्रूफ करना है साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा के, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है जी, साइन किसके बराबर होता है, साइन का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। आपने इसमें कंसीडर करना साइन एंगल, साइन अल्फा की बात हो रही है तो अल्फा कंसीडर करेंगे, अल्फा आपका ये वाला है, ये अल्फा कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और सी के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा ए, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा सी, तो साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर ए और हाइपोटेन्यूस सी, ये सही निकाला आपने। अब कॉस बीटा निकालना है, कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस बल्ली कॉस कर्ली ब्राउन यार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बीटा कंसीडर किया आपने,
तो बीटा के सामने वाला देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा आपका ए, कॉस बीटा की बात हो रही है, कॉस बीटा लिया आपने तो बीटा के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो बेस आपका हो गया ए, और सी के सामने वाला आपका यह हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस सी, सी सी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, तो बेस हो गया आपका ए और हाइपोटेनस हो जाएगा सी, ए अपॉन सी, और साइन अल्फा रियल टू कॉस बीटा, साइन अल्फा भी ए अपॉन सी आ रहा है और कॉस बीटा भी ए अपॉन सी, और कॉस बीटा भी ए अपॉन सी आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल है। अब हमको निकालना है क्वेश्चन फोर का सेकंड पार्ट है, टेन अल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा, ठीक है, ये आपको डायग्राम दी गई है, ये आपको ट्रायंगल है, तो पहले टेन अल्फा निकालेंगे, टेन अल्फा टेन का फॉर्मूला टी पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बीस, ठीक है, अल्फा कंसीडर कर रहे हैं, टेन अल्फा की बात हो रही है तो अल्फा कंसीडर कर रहे हैं, अल्फा के सामने वाला क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बीस, यानी परपेंडिकुलर आपका ए है और बीस आपका बी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका ए है, बीस अपॉन बी है, ठीक है, ये आपने निकाला टेन अल्फा सही, अब कॉट बीटा निकालना है, तो कॉट बीटा पर बराबर था कल्ली, कॉट होता है किसका टेन का उल्टा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होता है बीस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट में बीटा कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कॉट बीटा की बात हो रही है, तो बीटा कंसीडर करेंगे तो बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया कॉट बीटा के अंदर, परपेंडिकुलर आपका बी हो गया और बेस आपका ए हो गया, तो परपेंडिकुलर आपका बी हो गया, बेस आपका ए हो गया, बेस आपका ए हो गया, ए देख लें, टेन अल्फा भी ए पॉन बी है, कॉट बीटा भी ए पॉन बी, दोनों इक्वल हैं, आपको प्रूव हो गया हमारे पास। अब कौन सा हमारा सेट किसी डायग्राम बनाए थे नजर नहीं आ रही, ए बी सी 90 अब थर्ड पार्ट है, sec अल्फा इक्वल टू cosec बीटा, sec अल्फा पहले निकाल लें, sec अल्फा निकाल लें पहले डायग्राम में, sec अल्फा sec फार्मूला sec होता है cos का उल्टा, cos होता है कल्ली ब्राउन ईयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सब कॉस से उल्टा हो जाएगा सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक अल्फा की बात हो रही है, अल्फा की बात हो रही है तो अल्फा के सामने वाला, अल्फा के सामने वाला आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज आपका हो गया सी अपॉन बेस आपका, ये इसके अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपका बेस बी हो जाएगा, ये आपने सही निकाला सी अपॉन बेस, सेक अल्फा निकाल लिया, अब निकालना है कॉसेक बीटा, कॉसेक बीटा कॉसेक होता है साइन का होता है कॉसेक उल्टा, सी ओ एस ई जी आपने क्या लिख दिया सी ओ ई एस कॉसेक, सी ओ एस ई सी कॉसेक बीटा, ठीक है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, साइन होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, तो कॉसेक हो जाएगा साइन का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक बीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका सी के सामने वाला हाइपोटेन्यूज सी अपॉन परपेंडिकुलर, बस एक बीटा कंसीडर किया हुआ तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा सी अपॉन बी, तो सेक अल्फा भी सी अपॉन बी कॉस एक बीटा भी सी अपॉन बी दोनों इक्वल आ गया प्रूव हो गया। अब साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा,
साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। साइन बीटा निकालना पहले, साइन बीटा बराबर होगा साइन का फॉर्मूला सम पी पे लिया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन बीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो बीटा के सामने वाला बीटा कंसीडर कर रहे हैं तो बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा बी और 90 के सामने वाला सी, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा बी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा सी। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया बी, हाइपोटेन्यूज हो गया सी, सही निकाला। कॉस अल्फा निकालना है, कॉस अल्फा, अल्फा की बात हो रही है तो कॉस अल्फा का मतलब अल्फा एंगल की बात हो रही है, अल्फा एंगल के सामने वाला देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बीस। कॉस अल्फा कल कॉस का फॉर्मूला कल ही ब्राउन है, बीस अपन हाइपोटेन्यूज। बीस क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा की बात हो रही है, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बीस, बेस हो जाएगा बी और ये सी के सामने वाला सी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस हो गया बी, हाइपोटेन्यूज हो गया सी। साइन बीटा भी बी अपॉन सी और कॉस अल्फा भी बी अपॉन सी प्रूव हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब टेन बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा, टेन बीटा निकालना है, सबसे पहले टेन बीटा निकालेंगे। टेन बीटा निकालेंगे, टेन के बाद टील पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो डायग्राम में आपका जो है बीटा एंगल की बात हो रही है तो बीटा के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस, यानी परपेंडिकुलर आपका बी और बेस आपका ए। तो परपेंडिकुलर हो गया बी और बेस हो गया आपका ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी अपॉन ए, टेन बीटा हो गया बी अपॉन ए, ये सही निकाला है। अब कॉट अल्फा निकालना है, कॉट होता है टेन का उल्टा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट अल्फा एंगल की बात हो रही है, अल्फा एंगल की बात हो रही है तो अल्फा के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा की बात, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका ए हो गया और ये आपका हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर आपका हो गया ए और बेस हो गया आपका बी। और टेन बीटा बी अपॉन ए, कॉट अल्फा बी अपॉन, दोनों इक्वल आ गए, प्रूव हो गया। अब हमें निकालना है सेक बीटा इक्वल टू कोसेक अल्फा, सेक बीटा, सेक बीटा सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस और कल्ली ब्राउन यार, कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपन बेस। तो हाइपोटेन्यूज बीटा एंगल की बात हो रही है तो बीटा के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीस, बीस हो गया आपका ए और ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज सी और बीस आपका सी अपन ए। मैंने तुम गिरा देते हो, हाँ गिरा देते हो, सुनो वो अभिया एक अभी आएगा थोड़ी देर बाद आएगा, ठीक है। एक तबियत सही नहीं थी, अभी थोड़ी देर बाद आएगा, चला गया आगे तो नहीं आएगा, ये लो कड़ी 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 लेते पड़ो आदि को नहीं लेते पड़ो लेके आए। सेक बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा लिखना है हमें,
sec बीटा होता है, sec होता है cos का उल्टा, cos का उल्टा sec, sec cos होता है कर्ली ब्राउन बेस अपन हाइपोटेन्यूज, sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपन बेस। तो ये तो हमने कर लिया था हमने, अब cos का अल्फा देख रहे हैं। कौसेक अल्फा, कौसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कौसेक, साइन होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो कौसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की अल्फा की बात हो रही है, अल्फा के सामने वाला आपका जो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो कौसेक अल्फा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज सी और परपेंडिकुलर ए सी अपॉन ए, सी अपॉन ए सी अपॉन इक्वल है, सेक बीटा कौसेक अल्फा दोनों आपस में इक्वल आ रहे, प्रूव हो गया। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट आपने कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का एक सवाल करा देना, बाकी सब उसी बात बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ, इसे कोई कौन सा करवाऊँ बोले, तो एक का करवाऊँ, बाकी सब आप लोग खुद करेंगे। 1 2 3 4 5 ये वाला करवा दूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 करा रहा हूँ, बाकी आप सब करेंगे, ऐसा आसान है। ठीक है, बोला यूज द, बोला यूज अ फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 टू प्रूव इट। बोला क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर यूज़ करें, यानी ये वाली डायग्राम यूज़ करें और प्रूफ करिए, भी प्रूफ का सवाल है कि ये कॉट अल्फा बराबर होगा कॉस अल्फा अपन साइन अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन 4 की डायग्राम यूज़ करते हुए ये सारे प्रूफ आपने करने हैं। तो मैं क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 करवा रहा हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। अच्छा, आप थोड़ा दिमाग लगा दो, कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट वन हमको क्या दिया हुआ है, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, हमें प्रूव करना है, डायग्राम हमारी यही वाली है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड निकाल, पहले लेफ्ट हैंड निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेंगे, ठीक है, लेफ्ट एंड साइड, लेफ्ट साइड में क्या कॉट अल्फा है, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा के बाद में कॉट किसके बराबर होता है, टिल पेंटेड ब्लैक, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, डायग्राम आपको दी गई है, कॉट अल्फा की बात हो रही है, अल्फा का मतलब ई से अल्फा की बात हो रही है, अल्फा के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया ए, और बेस क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, पपड़ने का क्या हो गया ए, और बेस क्या हो गया बी, तो बेस की जगह बी लिख दिया, और पपड़ने क्या हो गया ए, कॉट अल्फा आ गया बी अपॉन ए। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, अब राइट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा है, वैसे पहले कॉस अल्फा निकालेंगे, फिर साइन अल्फा निकालेंगे, फिर दोनों का अपॉन करेंगे। ठीक है, कल निकालेंगे आप कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा फॉर्मूला क्या होता है, उसको बनाना ही पड़ेगा, मुझे कैमरे में याद नहीं रहा, ए बी सी, ए बी सी, अब हम निकाल लें राइट हैंड साइड कॉस अल्फा, पहले निकाल लें कॉस अल्फा फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन ईयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अल्फा की एंगल की बात हो रही है, इस अल्फा एंगल की बात हो रही है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा ये बेस हो जाएगा, तो बेस आपका क्या हो गया बी, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया सी, तो बेस आपका हो गया बी, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया सी, बी अपॉन सी, ये आपने निकाल लिया कॉस अल्फा, अब निकाल लें साइन अल्फा,
साइन अल्फा, साइन के बाद हम प्यूपिल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा जब आप ये लिखा करें ना, यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो लिखते हैं तो इसको छोटा नहीं लिखें, बी स्मॉल में नहीं लिखेंगे, एच स्मॉल में नहीं लिखेंगे, बी कैपिटल में लिखें, एच कैपिटल में लिखें, ठीक है, या पूरा बेस लिखें, बी एस बेस हाइपोटेन्यूज, एच वाई पी हाइपोटेन्यूज, पूरा पंडिया, ठीक है, समझ आ रही बात, परपेंडिकुलर पी आर पी शॉर्ट फॉर्म में पूरा लिखा करें। अगर पूरा नहीं लिख रहे तो बी कैपिटल और एच कैपिटल और पी कैपिटल लिखेंगे। साइन अल्फा होता है सम पीपल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या, अल्फा के एंगल की बात हो रही है तो अल्फा एंगल के हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेन्यूज का 90, सामने वाला सी, ठीक है। अब यहाँ पुट करते हैं, भले दोनों से दोनों जगह पुट करते हैं, अब पुट करते हैं दोनों वैल्यू, ठीक है, तो कॉस अल्फा क्वेश्चन हमारे पास है, कॉट अल्फा पूरा पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉट अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, तो कॉट अल्फा हमारा क्या निकल कर आया, बी अपॉन है, ठीक है, बी अपॉन आपने लिख लिया, इक्वल टू कॉस अल्फा क्या निकल कर आया, कॉस अल्फा क्या निकल कर आया, बी अपॉन सी, फिर अपॉन साइन अल्फा क्या निकल कर आया, ए अपॉन सी, ठीक है, इसको आगे चलते हैं, तो बी अपॉन ए इक्वल टू ये हो गया बी अपॉन सी, ठीक है, ये आपका बी अपॉन सी, ठीक है, उसके नीचे अपॉन है तो ए अपॉन सी जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, सी अपॉन ए बन जाएगा, ठीक है ना, ए अपॉन सी जो ऊपर जाके सी अपॉन ए हो जाएगा, तो सी है सी कैंसिल, तो बी अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन ए, आगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड ये आपका प्रूफ, इसी तरह करना, ठीक है, समझ आ रही बात, ये इसी तरह सारे पार्ट आप करेंगे, क्वेश्चन फाइव के सारे पार्ट इसी तरह करेंगे आप लोग। अच्छा क्वेश्चन फाइव करें, क्वेश्चन सिक्स भी, क्वेश्चन सिक्स भी करा दे रहा हूँ एक, वो भी सारे पार्ट करेंगे आप। क्वेश्चन फाइव का एक पार्ट करा दिया, सारे पार्ट आप करेंगे, समझ में आ गया ना, कर लेंगे ना जाने, इसी तरह क्वेश्चन सिक्स है हमारे पास, क्वेश्चन सिक्स ही आवा है, इसका कौन सा पार्ट कराऊं, बोले कोई भी करा दूं, पहला करा दूं, ठीक है, तो इसका ये पार्ट करा दे रहा हूं, तो बाकी पार्ट भी आपको इसी तरह करना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन सिक्स में बोल रहा है, इन राइट ट्राइंगल ए के एल एम, आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल कौन सा दिया हुआ है, के एल एम, के एल एम, ठीक है, के एल एम ट्राइंगल दिया हुआ है, बोला नेम द रेशियो डिपेंडेंट फॉर द गिवन एंगल, बोला ये बताया हुआ है, इसमें रेशियो बताया, इसमें रेशियो बताना, पहले क्या होता था, आपको साइन बीटा निकालना होता था, आपको टेन बीटा निकालना होता, यहाँ निकाल के दे दिया उसने, अब बोला कि भाई ये बताएं, ये साइन बीटा दिया हुआ है, कॉस बीटा दिया हुआ है, यहाँ पर अल्फा एंगल जो है, अच्छा यहाँ पर भी दो एंगल, एक अल्फा और एक थीटा, कहीं अल्फा दिया हुआ है, कहीं थीटा दिया हुआ है, कहीं अल्फा दिया हुआ, कहीं थीटा दिया हुआ, ठीक है, ये उसने निकाल के दे दिया है। अब ये पूछ रहे, बोल रहा है नेम द रेशियो, रेशियो बता ये कौन सा है, साइन साइन अल्फा साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, टैन थीटा कौन सा, ये आपको बता रहा है, ठीक है, तो अब हम पहले कर लेते हैं इसको, पहले एक पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन सिक्स पार्ट वन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन सिक्स का पार्ट वन, क्वेश्चन सिक्स का पार्ट वन, पार्ट वन, क्वेश्चन सिक्स का पार्ट वन हमको दिया हुआ है 17 अपॉन 15 और थीटा एंगल, ठीक है, अब आपको सोचना ये है, थीटा दिया हुआ था, थीटा एंगल की बात हो रही है, यानी इस एंगल की बात हो रही है, थीटा एंगल दिया हुआ है, इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है, अब ये थीटा में आपको रेशियो बताना है, यानी इस रेशियो क्या है, साइन है कॉस है टेन है, कौन सा साइन थीटा है या कॉस थीटा क्या दिया हुआ है, तो अगर इस थीटा के एंगल की बात